लगातार बढ़ती गर्मी के बीच उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून के काठ बंगला इलाके में ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि पानी की कमी की वजह से उन्हें हर रोज ऊपर पहाड़ से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। यहाँ पे 1 से 1.5 हज़ार आबादी है और पानी की समस्या पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है। जबकि पानी हमारे वार्ड से शेखर फॉल और यहाँ से हमारे वार्ड से नीचे सप्लाई है और हमारे वार्ड में परेशानी हो रही है, जबकि हमारे वार्ड से पानी जा रहा है नीचे। और हैंडपम्प है, उससे थोड़ा गुजारा चल जा रहा है। लाइनों में तो पानी ऊपर 64 घर हैं, वहाँ पे कई दिनों से पानी, आप वहाँ पे देखेंगे अगर चढ़ाई तो आदमी पैदल नहीं चल पाता, लेकिन वहाँ के लोगों को नीचे हैंडपम्प में पानी लेने आना पड़ा। ये 3 तारीख सर पानी नहीं आ रहे, हम लोग उतने ऊपर से पानी लेने नीचे आना पड़ता है और फिर उतने ऊपर देखे कैसे हम चढ़ते हम लोग पानी लेके, कितना समस्या है। ये लोग वहाँ पे टैंक ही नहीं चढ़ सकते, टैंक नहीं चढ़ सकते ना सर, ऊपर कहाँ जाएंगे ढांग में टैंक चढ़ के, ऊपर साधन तो है नहीं हम लोगों के, कितनी परेशानी हो रही है। तो बच्चे पानी ढोड़ो के परेशान हो गए सब। बिल तो ऐसे लेते हैं जैसे कि वह करके GST लगा देंगे, ब्याज बढ़ा देंगे, अब पानी नहीं देंगे। पानी कहाँ, आधा घंटा से कम आता हमारे यहाँ, सुबह और शाम को आधा आधा घंटा तो पीने के लिए मैंने तो 2 मंजिले में तो बिल्कुल मोटर से मैंने चढ़ा, उसका प्रेशर बिल्कुल लो प्रेशर है, यही चक्कर है सर। तो कोई अगर सुविधा हो तो पानी का कराओ तो कहीं से कोई कुछ और जगह, तो बल्कि तो एडिशनल लाइनें खुली हुई है हमारे यहाँ, तो भी नहीं हुए अब तक। कुछ लोगों का दावा है कि वे पिछले 6 महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोग अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैंड पंप और नल की तलाश करने को मजबूर हैं। यहाँ पर कोई नहीं आया है, यहाँ सदैव संकट ही रहता है। कम से कम 5-6 महीने हो गया पानी नहीं आया, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, और पीने वाला पानी नहीं है, नदी का पानी है, बाहर उधर से लाते हैं नदी पार से पीने के लिए। ये 5-6 महीने हो गए संकट को। प्रशासन के मुताबिक आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होने की संभावना है। जिन इलाकों में पानी की कमी है वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मई लास्ट वीक के आसपास की जो क्राइसिस ज्यादा थी वो अब कम हो गई है, अभी स्थिति थोड़ी बेहतर है पहले से, बट अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेयजल को लेकर के अभी समस्याएं हैं। हम लोग एक्चुअली हर साल 1 अप्रैल से मॉनिटर करना शुरू करते हैं, उससे पहले पूर्व तैयारियां भी करते हैं कि किन इलाकों में संभावना हो सकती है कि क्राइसिस होगी और वहाँ के लिए क्या क्या अरेंजमेंट हमने करने हैं। अभी आज की तारीख में अर्बन एरियाज में देहरादून की कई ऐसे मोहल्ले हैं, हल्द्वानी के कई ऐसे मोहल्ले हैं, या चमोली में कर्णप्रयाग वगैरह के कुछ नगर ऐसे मोहल्ले हैं, उत्तरकाशी में बरकोट वगैरह के कुछ मोहल्ले हैं जहाँ पे क्राइसिस है। लोगों को उम्मीद है कि मानसून के आने से उनकी परेशानियां कम होंगी और जल्द ही पानी की सप्लाई सुधरेगी।